प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। हम इसकी एंट्री जो है सामने वाली सेल में करेंगे, और ये डेटा जो है यहां एक डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए, जैसे कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए, डेट, टाइम, फिर नेम, सिटी और यहां पे अमाउंट। तो जैसे ही इस पे हमने टाइप किया और टाइप करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक किया, ये जो है इस पे चला जाना चाहिए। फिर दूसरी एंट्री करेंगे तो फिर दूसरी इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, मतलब कि हम ये फॉर्म हमारा हाइड रहेगा और इसी पे हम क्लिक करते चले जाएंगे और बटन्स के जरिए। तो चलिए इसके लिए मैक्रो बनाते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे डेवलपर टैब में और हम जाएंगे विजुअल बेसिक पे, और हम जब भी कोई कोड करते हैं तो मॉड्यूल्स में करते हैं, तो इसमें तो बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स है। आपके पास बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स नहीं होगा तो आपको यहां से इंसर्ट मॉड्यूल्स करना होगा। तो यहां पे हम सब्जेक्ट मतलब कि मैक्रो का नाम डिफाइन करते हैं कि सब हमने दे दिया सेंड, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे इसी के अंदर करेंगे, मतलब कि एक काम एक सब्जेक्ट के अंदर, एक माइक्रो के अंदर किया जाता है। एक टास्क को मतलब एक क्लब ऑफ टास्क, एक टास्क जो होता है क्लब ऑफ ऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो B2 की वैल्यू है वो डेटा के सबसे नीचे वाले रो में जाके एंट्री कर दो। तो हम यहां बेसिकली क्या होता है, आप इसके लिए एक कंसेप्ट समझिए कि किसी सेल पे हम टाइप कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे H1 पे टाइप करना है तो H1 पे कैसे टाइप करें, तो उसके लिए लिखेंगे कि रेंज H1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जो भी लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे रवि लिखना है तो रवि ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे जो K1 पे रवि लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू को मुझे इस पे H1 H2 पे स्टोर करना है, तो उसमें लिखाता है कि रेंज H2 की वैल्यू रिप्लेस हो जाए रेंज K1 की वैल्यू से, K1 की वैल्यू से। तो क्या हुआ कि जो ये 80 लिख K1 ने K2 है ना, माफ कीजिएगा K2, हाँ K2 की वैल्यू से, तो जो K2 के ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है 80 वो यहां पे 80 आ जाएगा। लेकिन कोड को ध्यान से देखिए कि K2 की वैल्यू है, अगर K2 में फॉर्मूला लगा है कि भाई 50 प्लस 30 सॉरी इक्वल 50 प्लस 30, तो रिजल्ट यहां पे सिर्फ 80 आएगा, जैसे वैल्यू पेस्ट करते हैं उस वैल्यू पेस्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं डॉट फॉर्मूला कर देता हूं, डॉट फॉर्मूला, तब क्या होगा, तब इसकी फॉर्मूला उठ के आएगी यहाँ पे कि इक्वल 50 प्लस 30। तो किसी सेल पे टाइप करने का नियम ये है। लेकिन मैं ये तो ये जो हमने लिखा ये सेम सीट का है, मैं इसको कमेंट करके इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब कि डेट कर देता हूँ लाइन को। तो ये हमने लिखा सेम सीट पे, लेकिन मुझे है C2 के सबसे लास्ट वाले रो पे इनकी वैल्यू को बराबर करना है इस B2 की वैल्यू से। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ओम, सिटी में हमारा पूजा सिटी सॉरी पुणे, और अमाउंट है हमारा 5268। उससे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे, तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बनाने का अगर हम एक्सेल की बात करें तो हम लगाते हैं मैक्स का फॉर्मूला कि मैक्स, इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला +1 तो 1 आएगा, जैसे 1 आ गया तो नेक्स्ट 2 आएगा, 2 आ तो 3 आएगा,
थ्री हुआ फोर आएगा, फोर हुआ तो फाइव आएगा, तो नेक्स्ट सीरियल नंबर आएगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम है कि मैथ्स फॉर्मूला यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फॉर्मूला जब भी कोई लगाएंगे तो किसी न किसी वेरिएबल्स पे लगाएंगे। तो हमने एसआर कर दिया कि सीरियल नंबर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैथ्स। अब वर्कशीट फंक्शन क्यों किया, क्योंकि मैथ्स वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। ये पता कैसे चला, जब मैं मैथ्स फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट ओपन किया तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। नीचे एक्सप्रेशन आया जैसे मतलब है कि एक्सेल की फॉर्मूले वीवीए को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि लेन का फॉर्मूला। लेन का फॉर्मूला एक्सेल पे भी वर्क करता है और वीवीए पे भी वर्क करता है, ऐसे राइट लेफ्ट जो भी ये लिखोगे आ जाएगा। जो फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करे उसकी उसकी लाइब्रेरी से कॉल करते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैथ्स, और यहां पे मुझे रेंज देना है सीट का। तो रेंज ऐसे नहीं देंगे, मुझे देना पड़ेगा कि सीट्स कौन से सीट्स का, तो सीट में डेटा सीट्स का, डेटा सीट का कौन सा रेंज, तो हमने बोला रेंज ए बाई ए वीवीए के मेथड के द्वारा देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा कि इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर देगा एसआर पे। अब एसआर क्या है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी लेते हैं ना, जैसे आपने कर दिया एक्स इक्वल टू 100, अब जहां जहां 100 की जरूरत पड़ी वहां आप एक्स यूज करते हो, उसी तरह से मैंने यही पे वेरिएबल्स एचआर ले लिया और जहां जहां मुझे एसआर ले लिया, जहां जहां मुझे एसआर की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम इसका यूज करेंगे। राइट ये हो गया। अब यहां पे हम करेंगे कि सीट्स सेम डेटा डॉट रेंज। अब रेंज में हम डायरेक्ट तो ए टू नहीं लिख सकते ना यहां पे कि ए टू डॉट वैल्यू, एक गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे एक के नीचे लिखना है, तो फिक्स हो जाएगा कि हर बार वो ए टू पे डेटा को डालेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बार वो नीचे नीचे डालता रहे। जैसे कि ए टू पे डेटा डाला हुआ है तो ए थ्री पे डाले, ए थ्री पे डाला हुआ है तो ए फोर पे डाले, इस तरह से। तो उसके लिए हम जो सिलेक्शन मेथड आप लोगों को पढ़ाए थे उसका इस्तेमाल करेंगे कि ए 65,000 डॉट एंड एक्सल अप। अब ए 65,000 एक्सल अप क्या करेगा, ये जाएगा आपके 65,000 रो पे, ए 65,000 पे, और यहां से वो कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करेगा। अप एरो इस्तेमाल करने से क्या होगा कि सीधे सबसे ऊपर आ जाएगा लास्ट डेटा एंट्री, जैसे यहां पे डेटा एंट्री है तो ये यहां आ जाएगा। उसके बाद मैंने लगाया ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट 1,0, तो ऑफसेट में 1 रो हुआ एंड कॉमा 0 कॉलन हुआ, मतलब कि वो एक रो जो है नीचे आएगा। एक रो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑफसेट लगाया, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है वो होना चाहिए फॉर्म के B2 से। तो यहां पे सीट्स कौन सा सीट, फॉर्म, उसका कौन सा रेंज, तो हमने बोला B2। B2 तो फिक्स है हमारा, तो हमने लिख दिया B2 डॉट वैल्यू। राइट अब इसी कोड को हम कॉपी करते हैं। अब यहां पे जो है वो हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा कॉलन 1। क्यों, ए माफ कीजिए B2 यहां पे नहीं होगा, माफ कीजिए यहां पे SR प्लस 1 होगा ना, SR प्लस 1, SR प्लस 1। अब यहां पे क्या हुआ, क्योंकि इसने यहां पे सीरियल नंबर 1 लिख दिया,
अगली मैं जब नीचे से ऊपर आऊं तो मैं चाहता हूं कि आगे की तरफ बढ़ूं और इसमें डेट डालूं। तो यहां पे हमने रो को जीरो कर दिया, ऑफसेट में कॉलम को वन कर दिया, और मैंने बोला कि डेट मतलब कि सिस्टम डेट डालेगा। और फिर यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए ये हो जाएगा टू, मतलब कि यहां से आए और यहां से ऊपर आए और एक दो कॉलम दिया टाइम। तो टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना एक्सेल में होता है और ना ही वीवीए में होता है। यहां पे नाउ फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सेल में भी आप यहां पे नाउ फॉर्मूला लगाते हो तो यहां पे डेट एंड टाइम आता है। तो वीवीए में भी नाउ लिखोगे तो डेट और टाइम आएगा। तो उस केस में हम यहां पे टेक्स्ट अप्लाई करते हैं और यहां पे डी 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 माफ कीजिएगा ई एच एच एम एस एस लिखते हैं तो हमारा टाइम शो करता है। बट टेक्स्ट फॉर्मूला यहां सपोर्ट नहीं करता है, तो टेक्स्ट की जगह पे यहां होता है फॉर्मेट का फॉर्मूला, फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन और हमने कॉमा इसमें लिख दिया एच एच स्लैश एमएम स्लैश एसएस। और उसके बाद हमारा ये 3 हो जाएगा क्योंकि तो बी टू की वैल्यू को पेश कर रहा है टाइम के बाद, और देन हमारा 3 की जगह पे 4 होगा जो कि बी टू के बाद कौन सा है, B5। B5 का डेटा डाल रहा है और ये हमारे पास B8, तो यहां पे B8 का डेटा डाल रहा है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, तो टेस्ट करें तो कैसे करें, इसके लिए एक बटन चाहिए। तो बटन यहां से डेवलपर टैब में इंसर्ट और ये रहा बटन सेलेक्ट करके ड्रैग कीजिए। ड्रैग करते ही पॉपअप आएगा असाइन मैक्रो, हमने सेंड को सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, असाइन आ गया। अभी बटन वन को लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आप यहां पे सेंड सेव कर दीजिए। अब जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप यहां देखिए डेटा यहां आ गया। बट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने क्लिक किया दो चीज होनी चाहिए, एक तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा डेटा सेव हो गया है, एक पॉपअप एक अलर्ट आना चाहिए, और दूसरा एक क्लीन हो जाना चाहिए। तो पॉपअप के लिए तो मैसेज बॉक्स है कि MSG बॉक्स, और यहां पे दे दिए कि योर डेटा हैव सेव्ड या कुछ भी दे दीजिए मैसेज, और दूसरा क्लीन करना है। तो उसके लिए सिलेक्शन मेथड में जो मैंने पढ़ाया था आपको, इसमें हमने हमने लिखा था कि B2, B5, B8 डॉट क्लियर कंटेंट्स कर दिया। लेकिन यहां पे शीट का रेफरेंस देना जरूरी है, शीट्स ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन ध्यान रखिए शीट का रेफरेंस देने से हैबिट रहती तो ठीक रहता है। अब देखिए, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया डेटा हैव बीन सेव एंड ओके किया, क्लीन हो गया, और देखिए यहां दूसरा सीरियल नंबर में डेटा ऐड हो गया। हाँ, इसमें अमाउंट ऐड नहीं हो रहा है, अमाउंट क्यों नहीं ऐड हो रहा है, हाँ यहां पे हमने 5 नहीं किया। तो यहां पे मान लीजिए दूसरा लिखता हूं मैं, तो यहां पे लिखता हूं उदय नोएडा और अमाउंट में सेंड एंड ओके। देखिए तीसरा नंबर उदय नोएडा और अमाउंट आ गया। अब इसी तरह से यहां पे हम एंट्री करते जाएंगे
और सेम है। अब इसको मैं हाइड भी कर दूं, इसको हाइड भी कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा एंट्री होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कविता, सिटी में दे दिया मान लीजिए पटना, अमाउंट 500, और जैसे हमने सेंड पे क्लिक किया, ओके किया, तो डेटा ऐड हो गया। अगर हम इसको अनहाइड करके देखें तो यहां आपको दिखेगा डेटा ऐड हो गया। अब आप लोग मुझे इस कोड को एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए कि कोड में कहां पे आपको प्रॉब्लम है। कौन सा चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या लाइन, कौन सा लाइन ऑफ कोड आपको समझ में नहीं आया, वो आप मुझे बताइए। अब ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूं अभी, जस्ट अभी। मैं अभी इसमें दो चीजें आपको करनी है। पहली चीज ये कि इसमें मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया हुआ है, आपको इसमें एक बेटर फॉर्म बनाना है। जैसे कि ऑफिस का फॉर्म होता है ना, जैसे ऑफिस में कोई फॉर्म ले लीजिए, या फिर डीएल, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इस तरह के जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म बना लीजिए। कुछ ऐसा एक फॉर्म बनाइए और उसका डेटा को स्टोर करवाइए बिटवीन सीट। फिर दूसरा इसमें आपको ये करना है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका डेटा सेव हो किसी और फाइल में और आपका फॉर्म किसी और फाइल में होगा, ठीक है? तो इसको रेफरेंस लेके कीजिए, क्योंकि खुद से नहीं कीजिएगा प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग, छोटी सी प्रोग्रामिंग को रेफरेंस पे लेके बड़ी प्रोग्रामिंग जब तक आप नहीं कीजिएगा, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। चाहे मैं लाख एग्जाम्पल आपको दे दूं, ठीक है? तो कोड मैंने भेज